यहाँ पर लिखा हुआ है नो बूट डिवाइस इंसर्ट बूट डिस्क प्रेस एक ही, फिर दोबारा मैं की प्रेस कर देखता हूँ, सेम एडिटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें दो चीजों को चेक करना होता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क को हमें चेक करना है कि हार्ड ड्राइव हमारे डिटेक्शन में है या नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में है क्या क्या व्यवस्था, टीचिंग क्या व्यवस्था दी गई है जो स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है। सबसे पहले हमें समझना है कि इस समय जो बेरोजगारी का टाइम जो आया, उस टाइम में हमें हाथ का हुनर होना बहुत जरूरी है। अगर आपके हाथ का हुनर है तो अभी आप कुछ काम कर सकते हैं, अन्यथा आपके पास हाथ का हुनर नहीं है या तो टेक्निकल पर्सन होना बहुत जरूरी हो चुका है। तो टेक्निकल होना भी इतना ईजी नहीं है जितना ईजी हम बता रहे हैं। तो उसके लिए सबसे ईजी स्टेप जो मल्टीटेक ने लाया है, जो बहुत ही कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हैं, आप कम पैसे की लागत लगाएंगे और अच्छे उससे इनकम कमा सकते हैं। कम पैसे का एक कोर्स है या छोटे छोटे कोर्स है, तीन तीन महीने के कोर्स है, चार चार महीने के कोर्स है, दो दो महीने का है, फास्ट टैग में करते हैं तो डेढ़ महीने में आपको कंप्लीट हो जाएगा। इससे आप अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास कोर्स है वह इसमें लैपटॉप रिपेयरिंग है, जिसमें लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों चीजों की रिपेयरिंग बताई जाती है। चिप लेवल पर रिपेयरिंग बताई जाती है, कार्ड लेवल तो हम बताते हैं, बताते साथ में चिप लेवल की रिपेयरिंग बताई जाती है जो 3 मंथ का कोर्स है। साथ में मोबाइल्स रिपेयरिंग कोर्स के रिपेयरिंग के बारे में बताया जाता है। साथ साथ में मोबाइल्स में भी EMC रिपेयरिंग भी बताए जाते हैं, जो चिप लेवल जो CPU को कैसे चेंज कर सकते हैं, बारीकी सारे चीजों को बारीकी तामील दी जाती है। साथ साथ में हमारे ई रिक्शा रिपेयरिंग भी बताए जाते हैं, जो इस समय आप गाँव गाँव में जाते हैं ई रिक्शा देख रहे हैं, बैटरी वाले रिक्शा चल रहा है जी, तो उस रिक्शे को रिपेयरिंग भी सिखाए जाते हैं हमारे पास में। तो उसमें कंट्रोलर कैसे ठीक किया जाता है, चार्जर कैसे ठीक किया जाता है, माने हर चीजों का हम इजी वे में स्टेप में ठीक करने के लिए बताते हैं। यहाँ तक स्मार्ट टीवी, क्योंकि हर घर में इस समय टीवी लगा हुआ है और LED टीवी का ज्यादा डिमांड है, तो LED टीवी का रिपेयरिंग भी हम लेकर आए हैं साथ में, जिसमें हम स्मार्ट टीवी की रिपेयरिंग भी आपको इजी स्टेप में बताते हैं, ठीक है। और साथ में प्रिंटर रिपेयरिंग के भी बताए जाते हैं। साथ में आप देखिए, अब हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सा चीज बताने जा रहे हैं, कि देखिए हमारे पास एक लैपटॉप रिपेयरिंग होने के लिए आया है और उस लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, उस जो प्रॉब्लम्स को मैं पहले आपको दिखाऊंगा फिर उसके सॉल्यूशन दूंगा आपको। तो सबसे पहले मेरे लैपटॉप को डिस्प्ले की ओर चलिए और डिस्प्ले पर मैं दिखा रहा हूँ कि एरर क्या लिखा हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो बूट डिवाइस इंसर्ट बूट डिस्क प्रेस एक ही, फिर दोबारा मैं की प्रेस कर देखता हूँ, सेम एडिटेड लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमें दो चीजों को चेक करना होता है। सबसे पहले हार्ड डिस्क को हमें चेक करना है कि हार्ड ड्राइव हमारे डिटेक्शन में है या नहीं है। तो हार्ड ड्राइव को डिटेक्शन चेक करने के लिए सबसे पहले हमें बायो सेटअप में जाना होगा। बायो सेटअप में जाने के लिए क्या करना है, कंट्रोल अल्ट और डिलीट, ये तीनों स्विच को एक साथ में प्रेस करना होगा। जैसे हम तीनों स्विच को एक साथ में प्रेस करेंगे, सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद HP का एस्केप स्विच को प्रेस करेंगे। एस्केप स्विच जैसे ही प्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा स्टार्टअप मेनू। तो देखिए इस स्टार्टअप मेनू के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है वो भी हम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ, F1 F1 से क्या लिखा हुआ, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम का इन्फॉर्मेशन देगा। F2 से क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डायग्नोस, सिस्टम का डायग्नोस करेगा। F9 से क्या है, बूट डिवाइस ऑप्शन। तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट बूट डिवाइस में नहीं जाना है, हमें चेक करना है कि हार्ड डिस्क हमारे डिटेक्शन में है या नहीं है। तो हम सीधे आते जाते हैं कि हम बायो सेटअप में F10 प्रेस करना होगा हमें। F10 यहाँ पर प्रेस करेंगे, हमने F10 प्रेस किया। F10 प्रेस करने के बाद हम बायो सेटअप में आ चुके हैं और बायो सेटअप में क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये पूरे सिस्टम का इन्फॉर्मेशन हमें देता है। तो सिस्टम का ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है, सिस्टम में बता रहा है कि प्रोसेसर कौन सा है, रैम कितना लगा हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मैं चीज को सेम एडिटेड दिखा रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ HP पवेलियन नोटबुक, मैंने HP कंपनी का पवेलियन सीरीज का नोटबुक हमारा लैपटॉप है, इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ प्रोसेसर का भी नाम लिखा हुआ है, इंटेल आर कोर i5 5200U, मैंने ये i5 है, i5 में 5th जनरेशन है और प्रोसेसर का स्पीड जो नीचे दिया हुआ है 2.2 GHz, तो ये प्रोसेसर का स्पीड भी है। साथ साथ में इसमें ये भी बता रहा है कि टोटल मेमोरी कितना लगा हुआ है, मेमोरी का भी देख लीजिए आपको क्या लिखा हुआ, 8 GB। तो इसमें जो रैम लगा हुआ है वो 8 GB रैम लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये सारी चीज हमें बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। साथ में अभी हमें चेक करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यहाँ पर बूट ऑप्शन है, बूट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
बोट ऑप्शन को हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब प्रेस करेंगे इंटर। जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया यहाँ पर बोट ऑप्शन सारे चीज दिख रहे हैं, तो आप यहां पर चेक कर लेते हैं हमारा हार्ड ड्राइव शो कर रहा है। हार्ड ड्राइव देखिए यहां सीरियल नंबर लिखा हुआ आ रहा है, इसके मतलब हार्ड डिस्क तो हमारे डिटेक्शन है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमारा है, प्रॉब्लम्स आपका हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं है, हार्ड डिस्क डिटेक्शन का काम प्रॉपर वे में हो रहा है। तो कंप्लीट हमें हार्ड डिस्क को छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एक पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है, या पेन ड्राइव को बूटेबल अगर आपके पास अवेलेबल है तो उस पेन ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम इस पेन ड्राइव को इसमें सिस्टम में इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट करने के बाद क्या करना है, हमें कंट्रोल और डिलीट तीनों स्विच को एक साथ में प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद फिर एस्केप स्विच को प्रेस करेंगे, और यहां पर अब हम पहले जो प्रेस किए थे F10, क्योंकि बायो सेटअप में जाना था, हमने बायो सेटअप में जाकर चेक कर लिया है। अब हमें यहां पर प्रेस करना है F9, जिसमें हमें आएगा बूट डिवाइस ऑप्शन। बूट डिवाइस ऑप्शन को प्रेस करेंगे जिसमें F9 की मदद से। अब देख जैसे हमने F9 प्रेस किया है तो यहां पर लिखा हुआ आ गया USB हार्ड ड्राइव सैंडिस्क। तो क्योंकि इसमें हमारा पेन ड्राइव में क्या है कि पेन ड्राइव में बूटेबल बना हुआ है, हम इसे USB हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद ये हमारे सिस्टम पर विंडोज का लोगो बना हुआ आ जाएगा। देखिए जो हमें यहाँ पर लोगो देख रहे हैं, ये विंडो 10 का लोगो है, क्योंकि पेन ड्राइव जो हमारा है विंडो 10 का बूटेबल बना हुआ है। तो विंडो 10 का यहाँ पर लोगो बना हुआ यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब देखिए कुछ देर में यहाँ पर कर्सर भी चलेंगे, जो अभी तक देखिए डॉट सा बना हुआ आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप माउस से भी काम कर सकते हैं, या टचपैड आपका काम कर रहा है प्रॉब्लम, टचपैड से भी काम कर सकते हैं, जैसे हमें टचपैड वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट। अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे इंस्टॉल नाउ। अब देखिए सेटअप, विंडो सेटअप हमारे यहाँ पर आ जाए। अभी विंडो सेटअप का भी अपना एक लाइसेंस वर्जन होता है, लाइसेंस होता है टर्म्स एंड कंडीशन। उस टर्म्स एंड कंडीशन को हमें आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है कस्टम। सिलेक्ट करेंगे कस्टम, इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस। अब देखिए जो हमारे इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रहे थे, ये भी हमें आपको दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आपको विंडोज, क्योंकि जो हमारा सी ड्राइव पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, सी ड्राइव को किसी ने डिलीट कर चुका है, जिसमें लिखा है अननोन डिवाइस, अननोन स्पेस। अब ये डिलीट होने के कारण ये ऐसा एरर दे रहा था बार बार। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस डिवाइस को पार्टीशन क्रिएट करना है। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं, फिर ओके। जो आप देख रहे हैं अननोन स्पेस, अभी देखेंगे कि ये पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। देखिए पार्टीशन हमारा क्रिएट हो गया है। पार्टीशन क्रिएट होने के बाद अब न्यू ऑप्शन पर आ रहे हैं। तो देखिए न्यू हमारा ऑप्शन जो देख रहे हैं क्या, हाइड है। तो ये तब तक हाइड रहेगा जब तक ये पूरे पार्टीशन को हम डिलीट करके दोबारा ना पार्टीशन बनाए। तो फिर हमें क्या करना होगा, एक बार पूरे पार्टीशन को डिलीट करना होगा। हम सभी को डिलीट कर रहे हैं, उस कंडीशन में हमें यह भी ध्यान रखना है कि जैसे डी ड्राइव, ई ड्राइव में अगर डेटा आपका है, उस डेटा को किसी एक जगह पर सेव करके रख लें, अन्यथा उस हार्ड डिस्क को हम डिलीट नहीं करेंगे। लेकिन हमारा इसमें डेटा में क्या है, इसे हार्ड डिस्क में हमारा डेटा अवेलेबल नहीं है, इसे डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इसे डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए पूरे हार्ड डिस्क हमारा डिलीट हो चुका है, ड्राइव जीरो बन चुका है, अनलोकेटेड स्पेस है। टोटल साइज आपको लिखा हुआ आ चुका है यहाँ पर 931 GB लिखा हुआ आ गया है, 931 GB है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और न्यू ऑप्शन पर जाएंगे। न्यू ऑप्शन पर जाने के बाद सबसे पहले हम इसे पार्टीशन क्रिएट करेंगे, और पार्टीशन में हमने जैसे मान के चलिए हमने 150 GB का पार्टीशन बनाया, तो 150 यहां पर लिख चुके हैं पहले, और इस पर 3 0 और डालेंगे जी। और हम यहां पर करेंगे अप्लाई, ओके। देखिए ये पार्टीशन हमारा बन गया, अब यहां पर कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम सेकेंड पार्टीशन बना रहे हैं। अब इसमें हमने
5000, फिर अप्लाई कर दीजिए। हमने इसे सिलेक्ट किया और इसे कर देते हैं न्यू अप्लाई। अब हम इसे किए नेक्स्ट, यहां पर कर देंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे हमारा स्टेप आना शुरू होगा स्टेटस विंडोज इंस्टॉलेशन का, जिसमें ये तीन स्टेप आपको पांच स्टेप में ये कंप्लीट होगा जी। सबसे पहले कॉपी विंडोज फाइल्स 100% चलेगा, फिर इसके बाद हमें गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 0% से लेके 100% तक होगा। फिर थर्ड स्टेप में इंस्टॉलिंग फीचर्स, फोर्थ में आपको इंस्टॉलिंग अपडेट, फिनिशिंग अप, ये पांच स्टेप आपको कंप्लीट होंगे। इसमें आपको कुछ यहाँ पर टाइम लगते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट आपको वेट करना होगा। देखिए हमारा ये 100% कंप्लीट हो गया है। जैसे 100% हमारा कंप्लीट हो जाता है इंस्टॉलिंग फीचर्स अपडेट हो जाएगा, जो जो हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाए उसमें ग्रीन सिग्नल यहाँ लग चुका है, नंबर ऑफ फोर्थ पोजिशन में हम आ चुके हैं, फोर्थ का वर्किंग हो रहा है। देखिए इंस्टॉलिंग अपडेट होना शुरू हो गया है, स्टार्टिंग हो गया है। तो इंस्टॉलिंग अपडेट को आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इंस्टॉलिंग अपडेट में आपको स्टेप चलेगा, कुछ टाइम यहाँ पर वेट करना होगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा फिनिशिंग अप लिखा हुआ आ जाएगा, फिनिशिंग अप जो लास्ट स्टेप हमारा है, लास्ट स्टेप भी आपको यहाँ पर शो कर जाएगा। देखिए सिस्टम हमारा रीस्टार्ट हो गया है, यहाँ पर इंटर भी कर सकते हैं। इंटर करने के बाद हम पेन ड्राइव को इजी वे में बाहर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो भी पेन ड्राइव में जो डेटा थे वो हमारे हार्ड डिस्क में कॉपी हो चुके हैं 100%। कॉपी होने के बाद अब वो फाइल्स को रन करेगा जी। अब इस पेन ड्राइव को यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक अब यहाँ पर काम आपको होता रहेगा। गेटिंग डिवाइस रेडी, तो देखिए इस तरह से हमारा सिस्टम रेडी हो रहा है। आपको ऑटोमेटिक अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, जो पहले प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे भी मैं कुछ देर में दिखा दूंगा कि 100% डिस्प्ले कैसे आ जाएगा, जिस पी सी लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज चल रहा है अभी। देखिए 42% यहाँ पर गेटिंग डिवाइस रेडी में लिखा हुआ आ गया। इस तरह से ये 100% तक होगा। 100% जाने के बाद सिस्टम फिर से हमारा दोबारा रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद ये सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वाईफाई वगैरह सारा डिटेक्शन हो जाएगा, उसमें सारा चीज़ आपको पूछेगा कि क्या ऑनलाइन आपको डिवाइस को अपडेट करना है या नहीं करना है। जो भी हमें सेटिंग करना होगा उसे हम डिवाइस के अकॉर्डिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा इसमें जो विंडोज डाला हुआ है ओरिजिनल विंडो डाला हुआ है या पायरेटेड डाला हुआ है। पायरेटेड डाला हुआ है तो हम बार बार अपडेट नहीं करते हैं, ऐसे विंडो 10 में अगर अपडेट भी करते हैं तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होता है, लेकिन प्रॉपर वे में अपडेट होना चाहिए 100%। कुछ लोग क्या होता है कि जैसे विंडो अपडेट होने लगता है 10% या 15% या 20% का अपडेट जाता है उसे बंद कर देते हैं। तो अगर उस तरीके से आप प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो जिसमें क्या होगा, सिस्टम आपका बार बार रीस्टार्ट होगा या हैंग करना शुरू हो जाता है, उसमें एक हैंगिंग का प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाएगा या सिस्टम रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो आपको अपडेट अगर हो रहा है ऑनलाइन तो अपडेट प्रॉपर वे में होने दीजिएगा। 3.2 GB का डेटा होता है इसमें, 3.2 GB का डेटा को अपडेट करने दीजिए, क्योंकि उससे कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगा। साथ में हमारा ये विंडोज जो एरर आ रहे थे नो बूट डिवाइस का, नो बूट डिवाइस आपका एरर सॉल्व हो चुका है, अब वो एरर हमारे पास कंप्लीट नहीं आएंगे। तो मैंने आपको इस बूट डिवाइस में मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है, तो जिसमें हमें सबसे पहले हार्ड डिस्क को हमें चेक करना होता है, उसमें हमें हार्डवेयर से तरीके से चेक करना है, जिसमें हमें बायोस में जाकर, क्योंकि बायोस जो हमारे होते हैं वो हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन से रहता है, उस हार्डवेयर का सारे इन्फॉर्मेशन होता है, वहां पर हम बायोस में जाकर चेक कर लेंगे कि हार्ड डिस्क डिटेक्शन है या नहीं है। अगर वहां पर भी हार्ड डिस्क का सीरियल नंबर नहीं देता या नो बूट डिवाइस लिखा हुआ आता है, नो हार्ड ड्राइव लिखा हुआ आता है, तो हम कहते हैं कि हार्ड डिस्क हमारा डिटेक्शन ही नहीं है। उस कंडीशन में हमें लैपटॉप को खोलना पड़ता है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले हार्ड डिस्क जिस जगह पर लगा होता है उस पोर्ट को चेक करना होता है, और या हार्ड डिस्क को डिस्कनेक्ट है या नहीं इसे चेक करना होता है। अगर कनेक्ट भी होता है उसके बाद भी डिटेक्शन नहीं होता है तो हमें हार्ड डिस्क को फिर टच करके मूवमेंट को चेक करना होता है। फिर उसके हो सकता है उसके पॉइंट के ऊपर कार्बन आ गए हो, उस कार्बन को भी हमें छुड़ाना पड़ सकता है। तो उस तरह से हम हार्डवेयर में उस तरह से सोल्यूशन भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम था इस सिस्टम में हार्डवेयर का रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं था, इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम था, किसी ने पहले विंडोज को करप्ट कर दिया था जिसके कारण ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे। तो अब हमने क्या किया, उसको विंडोज को दोबारा रीइंस्टॉल किया है। तो विंडोज को इंस्टॉल करने के लिए ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास पेन ड्राइव बूटेबल होनी चाहिए
या डीवीडी आपके पास बुटेबल होनी चाहिए, तभी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अन्यथा इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम नेक्स्ट डे में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, जिसमें हम आपको पेन ड्राइव को बुटेबल बनाने के लिए बताएंगे कि किस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है, और उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, कितने जीबी का हमारा पेन ड्राइव होनी चाहिए, तो वो भी सारी चीज हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।